क्लास में हमने देखा था वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर रूप में ओपन के एप्लीकेशन विथ फ्लोटिंग लोड, मीन्स जब ग्राउंड और आउटपुट के बीच में लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विथ ग्राउंडेड लोड, मीन्स आउटपुट और ग्राउंड के बीच में लोड कनेक्ट करेंगे। उस केस में सर्किट में आप देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग मोड में और इन्वर्टिंग को हम ग्राउंड कर रहे हैं। आइडियली आपके पास जो बेसिक करेक्टरिस्टिक आपको पता होगी ए इनफाइनाइट होता है, आइडियली बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वी आई डी की वैल्यू जीरो होती है, मीन्स आइडियली वी वन इक्वल टू वी टू होती है, लेकिन चूंकि यहां पर फीडबैक कनेक्शन किया गया है इसलिए वी वन इक्वल टू वी टू होगा। ये हम एजम्पशन मान के चलेंगे। रेजिस्टेंस जो इन्वर्टिंग वाला इनपुट है इसकी वैल्यू भी आर है, फीडबैक की वैल्यू आर भी है, ये रेजिस्टेंस और इन दो रेजिस्टेंस वैल्यू सबकी वैल्यू एकदम बराबर है जिसकी वैल्यू हमने आर लिया है। यहां पर जो फीडबैक कंपोनेंट है पॉजिटिव फीडबैक में, यहां पर इस नोड पॉइंट में यदि आप किरचॉफ करंट लॉ लगाए, ठीक है, यूजिंग KCL यहां पर लगाए, तो ये I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू IL। हमारा मेन मकसद ये जो वोल्टेज बी इन अप्लाई कर रहे हैं इसका इक्विवेलेंट IL कितना आएगा, मींस IL का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बी इन हमें डिराइव करना है, ओके, तभी ये वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर के रूप में कार्य करेगा, ये प्रूफ होगा। यदि हम यहां पर केसीएल से केसीएल अप्लाई करें आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई एल होगा। आई वन की वैल्यू कितनी है, आई वन इक्वल टू यदि आप यहां से देखें बी वन बी इन माइनस बी वन अपॉन आर हो जाएगा आई वन। आई टू वैल्यू कितनी है, ये बीओ है तो बीओ यहां पर भी होगा, बीओ बीओ माइनस बी वन बीओ माइनस बी वन अपॉन आर हो जाएगा हमारा आई टू इक्वल टू आई एल, सम कर देंगे। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो बी इन प्लस बीओ बी इन प्लस बीओ माइनस ट्वाइस बी वन माइनस ट्वाइस बी वन इक्वल टू आई एल इंटू आर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, बी वन के लिए यदि आप सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी बी वन इक्वल टू बी इन प्लस बी ओ माइनस आई एल इंटू आर अपॉन टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, यदि आप यहां पर बीओ की वैल्यू पुट करें एक किस मोड में वर्क कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है, तो बीओ की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर बीओ की वैल्यू आप देख रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग का गेन कितना होता है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन होता है, तो यहां पर आर एफ और आर वन सभी की वैल्यू कितनी है, आर है, तो वन प्लस आर अपॉन आर इंटू बी वन, तो वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस वन इंटू बी वन, तो बीओ कितना होगा, बीओ इक्वल टू ट्वाइस बी वन। इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे, बीओ इक्वल टू ट्वाइस बी वन यहां पर पुटअप कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, बीओ इक्वल टू बी इन प्लस बीओ माइनस आई एल इंटू आर आर, यहां पर वैल्यू रख देंगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी, बीओ इक्वल टू ट्वाइस बी वन है, ट्वाइस बी वन, और बी वन कितना है, ये है, इस बी वन को आप यहां रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीओ से बीओ कैंसिल हो जाएगा और बी इन इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एल इंटू आर, तो वैल्यू कितनी आएगी, आई एल इक्वल टू बी इन अपॉन आर, मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है यहां पर मिलेगा उसका जो आउटपुट करेंट फॉर्म है आई एल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी इन अपॉन आर के फॉर्म में आ गई, मीन्स जो आउटपुट करंट मिल रहा है वो इनपुट वोल्टेज के टर्म्स मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में मिल रहा है, मीन्स इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको इक्विवेलेंट करंट में चेंज कर रहा है। इस तरह से इसका एप्लीकेशन है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। आप
यूजिंग ओपन विथ ग्राउंडेड लोड। थैंक यू स्टूडेंट।